हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा समर शॉपिंग कलेक्शन फ्रॉम अमेज़न। बहुत अलग अलग वैरायटी की चीजें मैंने परचेस करी है, ऑब्वियसली समर्स को ध्यान में रखते हुए। इफ यू हैव बीन नोटिसिंग मी ना, मैं पिछले आई थिंक 6 महीने होने वाले हैं, मैं पिछले काफी टाइम से अपने जो ड्रेसेस है उसमें काफी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। जैसे पहले अगर आप मुझे देखते हो तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे डेनिम्स बहुत पसंद है, डेनिम्स ही मुझे पहनना होता है हर जगह। जैसे मैंने अभी काफी सारे कॉर्ड सेट्स मंगवा रखे हैं और मैं उनको पहनती भी हूँ बड़े अच्छे से, एंड आई एम एंजॉयिंग वेयरिंग कॉर्ड सेट्स प्लस ड्रेसेस एज वेल। सो मैंने अभी कुछ चीजें मंगवाई है समर को ध्यान में रखते हुए, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत अच्छे रेट पे मिला है मुझे और बहुत अच्छा कलेक्शन मिला है। सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सी ड्रेस मंगवाई है, दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड जनाइसा, और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2298, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिली है 700 रुपीज़ की, जो कि बहुत अच्छा रेट है। दिस इज द ड्रेस, बहुत ही प्यारा सा ऐसे मस्टर्ड कलर का ड्रेस है, स्लीवलेस है ये और नीचे से एकदम फ्लेयर्ड है, मतलब बहुत इजी ब्रीजी एयरी टाइप ऑफ ड्रेस है। आप पहनोगे तो सब तरफ से आपको हवा आएगी। लेंथ भी बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, नॉट कम्फर्टेबल वेयरिंग वेरी शॉर्ट ड्रेस, आप इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। लुक एट द कलर, कलर इज वेरी प्रिटी, समरी कलर है, बहुत ही प्यारा सा। बस इसका एक ड्रॉबैक ये कि ये कॉटन नहीं है। आई यूजुअली प्रिफर वेयरिंग कॉटन इन समर्स, जॉर्जेट मटेरियल ड्रेस, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी फ्लोई। देखिए इस तरीके का ऐसे फ्लोई टाइप का ड्रेस है, ये फ्रिल्स वगैरह लगे हुए हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ड्रेस परफेक्ट फॉर आउटिंग। इसको आप पास से देखेंगे ना तो यहाँ पर हल्की हल्की सी सिल्वर कलर की ऐसे लाइनिंग भी दी हुई है। सो दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू दिस ड्रेस, दिस इज अ फिट एंड फ्लेयर ड्रेस बाय वेरोमोडा, एंड पॉलिएस्टर 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक का ड्रेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कॉटन पहनना पसंद है, बट जब मैंने इसको पहना ना, मैं यही सोच रही थी कि अरे शिट यार ये कॉटन नहीं है, मैं इसको कैसे पहनूंगी। बट द मोमेंट आई वोर दिस ना, इट्स सो कम्फर्टेबल, इट्स सो एयरी, इसका फिट इतना जबरदस्त है, नीचे से एकदम ऐसे हाई लो पैटर्न पे है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, तो आप डेफिनेटली कहीं पे भी पहन सकते हो, मतलब आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होगे पहनने पे। पॉकेट्स दिए हुए हैं विच लुक सो सो स्टाइलिश, इसको पहन लो समर्स में, एक पोनीटेल बांध लो, बाल खुले रख लो और स्लिपर्स डाल के यू आर गुड टू गो। इट्स दैट काइंड ऑफ अ ड्रेस, आई लव दिस ड्रेस। यस, दिस इज माय नेक्स्ट ड्रेस। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट पीस, सो दिस इज द सूट जो कि मैंने मंगवाया है अगेन अमेज़न से, और ये है फ्रॉम द ब्रांड जनाइसा। जितने भी अब तक मैंने अमेज़न से सूट्स मंगवाए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासीएस्ट एंड रिच पीस विच आई हैव गॉट। इसी प्राइस में मैंने और भी सूट्स मंगवाए हैं, बट दिस इज अमेजिंग, प्यारा सूट है। चटक ऑरेंज नहीं है, ये बर्नड ऑरेंज टाइप का कलर है। ये देखिए, आपको हल्के हल्के ना बिल्कुल लाइट कलर के, इसमें आपको गोल्डन कलर के ऐसे लाइनिंग्स बने हुए हैं, आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो पाइपिंग करी हुई है ना जिस कलर की, उस कलर के यहाँ पर सूट में ऐसे लाइनिंग्स बने हुए हैं, पता तरीके से ये पूरे सूट में बने हुए हैं। प्रॉपर कॉटन है, एकदम प्योर कॉटन है, पहनने पे इतना क्लास और इतना रिच लग रहा था मुझे ये सूट, बहुत पसंद आया। फुल स्लीव्स का है, आई डोंट लाइक टू वेयर फुल स्लीव सूट, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसका फैब्रिक इतना कंफर्टेबल है, ये एकदम प्योर कॉटन का बॉटम दिया हुआ है, सेम कलर में है। नाउ लेट मी शो यू द दुपट्टा ऑफ दिस सूट, लुक एट दिस दुपट्टा, नाउ दिस इज द दुपट्टा, ये इसका बॉर्डर है, मतलब लास्ट का पार्ट है, एंड ये पूरा सेंटर पार्ट चल रहा है, और अगेन इधर पे भी सेम ऐसे बॉर्डर वाला फ्रिल वाला पार्ट लगा हुआ है। सो दिस इज द दुपट्टा एंड दिस इज द होल सूट। एक क्लासी सूट्स नहीं होते हैं, आप कहीं एग्जीबिशंस में जाते हो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं 5-5, 6-6 हज़ार के, ये उस तरीके का सूट लग रहा है, फेवरेट सूट्स रहने वाला है मेरे कलेक्शन में। इसका जो एक्चुअल प्राइस है ये 4,000 रुपीज़ का है, एंड आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 1,500 रुपीज़ में मिला है। सूट के लिए आई कैन इवन पे 2,000 रुपीज़ एज वेल फ्रॉम माई पॉकेट, बिकॉज दिस इज दैट काइंड ऑफ अ सूट। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये मंगवा रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा, मैं ऐसे झोला टाइप का तो नहीं लगेगा मेरे ऊपर, ये तो नहीं लगेगा, वो तो नहीं लगेगा, इस टाइप का लग रहा था मुझे। पहले तो मैं इसकी पिक्चर लगा देती हूँ यहाँ पर, ये कैसा दिख रहा है, शर्ट ड्रेस, ओके, ये प्रॉपर एकदम शर्ट ड्रेस है, मतलब समरी पैटर्न जो नहीं होता है बहुत लूज लूज होता है, उस तरीके का शर्ट है ये, हाई लो पैटर्न में है। मैं इस तरीके के ड्रेसेस कभी कैरी नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको पहन के देखा ना
तो आप इसको व्हाइट शूज के ऊपर पहनो, वो जो बड़े बड़े शेड्स होते हैं वैसा लगा करके पहनो. दिस विल गोइंग टू सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक्स नहीं होते पिंटरेस्ट में जो होता है, ये बिल्कुल उस तरीके का ड्रेस है. नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट पीस, दिस इज द पीस फ्रॉम, ये एक पूरा मैक्सी गाउन है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड अराइना, नया ब्रांड है, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ. और मैक्सी ड्रेस, तो ये ना एक मैक्सी ड्रेस है, ऑफ शोल्डर मैक्सी ड्रेस है, मतलब इसका जो नेक है ना वो ऐसे ही रहता है, आप कितना भी हाथ ऊपर कर लो. बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छी लगी, बट मैंने कभी भी इस तरीके का स्टाइल कैरी नहीं किया है. दिस इज अ वेरी लूज काइंड ऑफ अ फिट, मतलब ये यहाँ तक बस टाइट है, जिससे एकदम फ्लेयर आ जाता है. तो है तो बहुत सुंदर, बट ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मेरे ऊपर सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपका इसमें से फेवरेट पीस कौन सा था, और अगर आपको मंगवाना होगा तो आप कौन सा मंगवाने वाले हो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आया है ना, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.